हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये होगा, आज का जो टॉपिक है ये एक्सटेंशन एजुकेशन का होगा। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो एक्ट पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि जितने भी एक्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे एक्ट को मैं ढूंढ के यहाँ पे लेके आई हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि कितने में लागू हुआ, और जिसका हमें फुल फॉर्म देखना है उसका फुल फॉर्म देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। और पहले हम बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। जो कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसमें से आया है श्वेता सिंह जी का आंसर करेक्ट है और दीपा सिंह जी का आंसर करेक्ट है। दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, सो थैंक यू आप लोगों को। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है और मायोपिया है ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आज का क्वेश्चन जो है उसको भी बताएंगे आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना पड़ेगा। और आज का जो क्वेश्चन है ये है प्रसार शिक्षा से, और कहाँ से है तो मैं बता दूँ आप लोगों को, जो बच्चे को अडाप्ट किया जाता है उस चैप्टर का क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, मायोपिया क्या होता है इसको देख लेते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको पता है वो भी सुन ले और जिसको नहीं पता है उनको तो सुनना ही सुनना है। तो जो निकट दृष्टि दोष है इसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और ये असर्शन और रीजन में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये कहाँ पूछा गया है तो आप लोग बताओगे कि असर्शन और रीजन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है जो मायोपिया है इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो पास की वस्तुएँ होती हैं वो स्पष्ट दिखती हैं और जो दूर की वस्तुएँ होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ये बात हमें याद रखनी है, पास जो पास की वस्तु है उसे तो हम देख लेते हैं, जिसको भी मायोपिया निकट दृष्टि दोष होगा और ये नेत्र से संबंधित बीमारी है, जिसमें भी हो जाएगा जिस भी पर्सन में उसमें क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, वो पास की वस्तु को तो एकदम अच्छे से क्लियर देख लेगा, बट जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसे नहीं देख पाता है। दूर की जो वस्तुएं होती हैं उसे करेक्ट एकदम क्लियर अच्छे से नहीं दिखता है। और इसमें क्या होता है ये भी पूछा गया है कि जो मायोपिया है, मायोपिया के रोगी में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनता है या रेटिना के पीछे बनता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, जिसको नहीं पता है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और ये होता क्या है, जो मायोपिया नेत्र संबंधित बीमारी है, जिसमें पास की वस्तुएं क्लियर दिखती हैं बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। बस इतना, इतने पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं हम, क्या देखना है हमें, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखती हैं बट पास की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखती, बिल्कुल अपोजिट है ये। मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं दूर की नहीं दिखती हैं। हाइपरमेट्रोमायोपिया जो है उसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये असर्शन और रीजन में पूछा गया क्वेश्चन भी है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगर पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है या पीछे बनता है, तो हम क्या बताएंगे, रेटिना के पीछे बनता है। आई होप कि अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। हम पूछेंगे आज का जो क्वेश्चन है उसको पूछेंगे हम लास्ट की क्लास में, सो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हम आज की क्लास को देखते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है, आज का जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग देखिएगा, यहाँ से आपको 2 नंबर जरूर से ज़रूर मिलने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है इसको आप पढ़ने के बाद याद भी कर लीजिएगा। और जो कल की क्लास थी मैंने अनुच्छेद के बारे में आप लोगों से बताया था, तो अनुच्छेद से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहाँ से भी 2 से 3 नंबर आपको गेन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और आज की जो क्लास है यहाँ से भी आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, बट आपको याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं, आज हम देखेंगे क्या देखना है, हमें इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में देखना है। पहला जो है वो क्या है, संगठित बाल विकास योजना क्या है आज का। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, संगठित
संगठित बाल विकास योजना, संगठित बाल विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ आप लोगों को बताना है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेशन में आप लोग जरूर बताइएगा। ये कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में क्या बना, संगठित बाल विकास योजना। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ICDS कहते हैं, ICDS। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। और ये जो संगठित बाल विकास योजना है, ये शुरू कब हुआ तो हम बताएंगे, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट हुआ। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसे ICDS के नाम से भी जानते हैं, ICDS करके भी पूछा जा सकता है आपसे, और संगठित बाल विकास योजना से करके भी पूछा जा सकता है, ICDS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो क्या है ICDS का फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आप सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं हम, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट है हमें पढ़ना है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई तो हम बताएंगे, इसकी स्थापना 1953 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। और एक बात ये नोट कर लीजिएगा ये आप लोग, कि जितना भी मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं, TGT PGT नेट सबका मिला के मैंने यहाँ पे एक नोट्स बनाया और वहाँ से आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि मैं ये अपने आप से आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मैच करने के, फुल फॉर्म के, और इसके जो है जो भी डेट है, डेट के आधार पर सिक्वेंस में लगाने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। तो दूसरा जो है वो क्या है, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई, 1953 में हुई। अगला जो पॉइंट है वो हमें देखना है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, इसकी स्थापना कब हुई तो हम बताएंगे, इसकी स्थापना हुई है 2015 में। ये कब बना, 2015 में बना, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 2015 में बना। अगला पॉइंट हमें देखना है, चौथा पॉइंट देखना है हमें, और यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट है। मैं आप लोगों को अगर दो दिन तक इसी की क्लास देती रहूँ ना तो ये ख़त्म नहीं होने वाला, और मैं आपको सब कुछ बताऊँगी ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट हमें देखना है, अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में हुई। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, NCERT, इसे क्या कहते हैं, NCERT कहते हैं। और NCERT का फुल फॉर्म जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नहीं बता पाओगे आप लोग तो मैं कल स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में इसका फुल फॉर्म बताऊंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसको भी पता होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आप लोग। अब फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम, संगठित बाल विकास योजना, इसकी स्थापना कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 में हुई। और इसे हम क्या कहते हैं, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ये। दूसरा है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई, 1953 में हुई है। और तीसरा है बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 2015 में। ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोग को, एक साइड डेट दे दिया जाएगा, एक साइड ये नाम दे दिया जाएगा, उसमें आपको मैच करने रहेंगे। सिक्वेंस में जो लगाने के लिए दिया रहता है, केवल और केवल नाम दिया रहता है बस, आपको ये डेट नहीं दिया रहता है, नाम के आधार पर आपको सिक्वेंस में लगाना पड़ेगा। और जो लास्ट का है वो क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, इसे क्या, ये कब हुआ तो 1961 में ये लागू हुआ। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो क्या है, NCERT, NCERT का जिसको भी फुल फॉर्म पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, Thank you.
और आप लोग पूछ रहे थे मैम आपकी तबीयत कैसी है, तो मेरी तबीयत ठीक है अभी, बट पूरी तरीके से नहीं ठीक है। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा होगा मुझे। आप लोगों की क्लास मिस ना हो इसलिए मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। यहाँ इंक खत्म हो गया, इंक डाल लेती हूँ मैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो हमें देखना है, मिलावट निरोध अधिनियम। मिलावट निरोध अधिनियम, और इसका अगर आप ट्रिक भी पूछेंगे तो मैंने जैसे याद किया, लर्न किया, मैं उस हिसाब से आपको ट्रिक भी बता सकती हूँ इसका, जो कि सीक्वेंस में रहेगा, आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आज मैं ट्रिक बताऊंगी, अपनी ट्रिक देखती हूँ आप लोगों को कैसी लगती है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। देख लेते हैं हम मिलावट निरोध अधिनियम जो है ये कब बना है। मिलावट निरोध अधिनियम बना 1954 में। कितने में बना? मिलावट निरोध अधिनियम कितने में बना है? 1954 में। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट जो हमें देखना है वो क्या है? औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम। औषधि एवं मादक पदार्थ, मादक पदार्थ अधिनियम, औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम कब बना? तो हम क्या बताएंगे इसको, औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1940 में बना। कितने में बना? 1940 में। मिलावट निरोध अधिनियम कितने में बना? 1954 में। औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम कितने में बना? 1940 में बना। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है? भार एवं माप स्थिरीकरण अधिनियम। भार एवं माप स्थिरीकरण भार एवं माप स्थिरीकरण अधिनियम ये कब बना है? 1939 में। 1939 में बना। अगला जो पॉइंट हमें देखना है वो क्या देखना है? श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम ये कब बना है? तो हम बताएंगे ये बना है 1937 में। 1937 में बना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? डिब्बा बंद वस्तु कानून। डिब्बा बंद वस्तु कानून, डिब्बा बंद वस्तु कानून ये कब बना? तो हम बताएंगे इसको 1970 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है घरेलू विद्युतीकरण अधिनियम। घरेलू विद्युतीकरण, विद्युतीकरण अधिनियम, घरेलू विद्युतीकरण अधिनियम कब बना? तो ये बना 1976 में। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। मिलावट निरोध अधिनियम कितने में बना? 1954 में। औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम कितने में बना? 1940 में। भार एवं माप स्थिरीकरण अधिनियम कितने में बना? 1939 में। श्रेणीकरण एवं बाजार अधिनियम कितने में बना? 1937 में। डिब्बाबंद वस्तु कानून कितने में बना? 1970 में बना। घरेलू विद्युतीकरण अधिनियम कितने में बना? 1976 में बना। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये क्लास, और जिसको भी ट्रिक चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, फिर मैं कल की क्लास में आपको स्टार्टिंग में ही ट्रिक बताऊंगी, जो क्वेश्चन पूछी हूँ उसको बताऊंगी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताऊंगी। ऐसे मैं ट्रिक बताने वाली नहीं हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मैम मुझे ट्रिक चाहिए, तो मैं ट्रिक ज़रूर बताऊंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। इतना इतने पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसको रट लीजिएगा पूरा, बिना रटे काम नहीं चलने वाला। ये पॉइंट ऐसे हैं कि बिना रटे आपका काम नहीं चलने वाला, आपको रटना ही पड़ेगा ये सब, चाहे ट्रिक के माध्यम से रटिए या फिर आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, सेट तो करना ही पड़ेगा, किसी भी माध्यम से सेट करिए आप। अगला पॉइंट हमें देखना है जो आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम,
आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम कितने में बना? 1955 में। अगला पॉइंट है, देखना है हमें, अगला पॉइंट है एकाधिकार एवं नियंत्रण व्यापार अधिनियम। एकाधिकार एवं नियंत्रण नियंत्रण व्यापार अधिनियम। नियंत्रण व्यापार अधिनियम ये कितने में बना? 1969 में बना, 1969 में बना। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। और एक बात आप लोगों से पूछनी है कि मैंने आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर बताए हैं ना, अगर नहीं बताए तो प्लीज़ आप लोग मेरे को बता दीजिएगा हेल्पलाइन नंबर। शायद मैं वीडियो बनाई हूँ, आप लोगों को दी हूँ और आप लोग पढ़े भी होंगे, तो जिनको नहीं मिला होगा हेल्पलाइन नंबर भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो वो वीडियो में जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके ढूंढ के आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आती हैं प्रसार शिक्षा में आती है, ये हमारी सब चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें। फिर से देख लेते हैं, आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम कितने में बना? 1955 में, 1955 में बना। एकाधिकार एवं नियंत्रण व्यापार अधिनियम कितने में बना? 1969 में बना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने में बना? 1986 में। एक बात और मैं बता दूँ आप लोगों को, कल की जो हमारी क्लास होगी वो जो भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं पूरा 2004 से लेकर 2020 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं A to Z मैं लेके आऊँगी, आपको यहाँ पे समझाऊँगी, ज़रूर समझाऊँगी आप लोगों को। तो कल की क्लास के लिए भी फुल फोकस करके आइएगा, फुल क्या बोलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आइएगा आप लोग, और कॉपी और पेन लेके भी आइएगा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने में हुआ? 1986 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या देखना है हमें? हमें देखना है अगला, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जानते हो ना आप लोग, सब पढ़े सब बढ़े, ये है इसका उद्देश्य। क्या है इसमें? सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ तो हम बताएंगे, 2001 में बना। ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। कितने में बना? 2009 में बना। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है ये कितने में बना? 2005 में बना, जिसे हम क्या कहते हैं, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं इसे, राइट टू इंफॉर्मेशन RIT कहते हैं इसे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। फिर से देख लेते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में, एकाधिकार एवं नियंत्रण बाजार अधिनियम 1969 में, 1969 में, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमें देखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये कब बना? ये बना है 2006 में। ये कब बना? 2006 में। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे भी हमें देखना है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। आगे हमें क्या देखना है? बच्चों का यौन अपराध संरक्षण अधिनियम जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्को कहते हैं ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस कहते हैं, आप लोगों ने इसको सुना होगा, क्या कहते हैं इसको, पोस्को नाम से भी इसे जानते हैं हम, पोस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन
सेक्सुअल ऑफेंस इसे कहते हैं। आप फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। वैसे मैं कल के क्लास में सारे फुल फॉर्म को बताऊंगी, बट आज जो बताती चल रही हूँ इसको भी नोट करते चलिए आप लोग। बच्चों का यौन अपराध संरक्षण अधिनियम कब बना? तो हम बताएंगे इसको 2012 में बना, और इसको हम क्या कहते हैं, पोस्को कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेंस इसका फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट क्या देखना हमें, बाल यौन रोकथाम इसे कितने नाम से जानते हैं? बच्चों का यौन अपराध संरक्षण अधिनियम एक नेम से ये पूछा गया है, दूसरे नेम से पोस्को करके पूछा गया, और तीसरा जो नेम इसका पूछा गया वो क्या है, बाल यौन रोकथाम ये भी पूछा गया है, बाल यौन रोकथाम। जितने भी नाम से पूछा गया है इसको प्रीवियस ईयर में, मैं सारे नाम यहाँ पे ऐड कर दी हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है, तीनों में तीनों नाम आप समझ लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम, देखते हैं बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, अगला क्या है, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कब बना? तो हम बताएंगे 2015 में बना, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 2015 में। अगला जो हमें देखना है वो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब बना? 2006 में बना है ये। अगला जो पॉइंट देखना है हमें, अगला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कब बनी? 2019 में बनी। फिर से देख लेते हैं इसको, यहां तक तो आई होप कि समझ में आ गया हो, आप होगा आप लोगों को। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 2015 में, यहां से मैच करने वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस में लगाने वाले क्वेश्चन, ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2019 में लागू हुई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम, आगे हमें देखना है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ? तो हम क्या बताएंगे, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सारे पॉइंट है ना ये रिपीटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये सारे पॉइंट आपको रिपीटेड फॉर्म में मिलेंगे। अगला क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कब लागू हुआ? तो हम बताएंगे ये 2015 में बना, आगे का हमें देखना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, ये कब बना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान कब बना? 2011 में बना। अगला पॉइंट हमें देखना है क्या है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई? 2017 में। अगला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें बात करना वो क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल नीति कब बना? 2013 में बना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अभियान, ये कब लागू हुआ? तो हम क्या बताएंगे, ये कब लागू हुआ? 2005 में। फिर से एक बार देख लेते हैं,
स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ? 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान 2011 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा अभियान कब बना? 2005 में बना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हम नोट करते चलिए, और ये आप लोगों का तैयार हो गया तो समझ लीजिए 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। यहाँ से चाहे सीक्वेंस में लगाने के लिए आएगा तब भी आप कर ले जाओगे, मैच करने के लिए आएगा तब भी आप कर ले जाओगे, डेट पूछेगा ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन आते हैं तब भी आप कर ले जाओगे। अब आगे बढ़ लेते हैं, हम कहाँ चले थे? अब हमें जो देखना है बच्चों की फ्री और आवश्यक शिक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं, RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, ये 2-3 नाम से ये भी पूछा जाता है, राइट टू एजुकेशन कहते हैं इसको। बच्चों की फ्री और आवश्यक शिक्षा कब बनी? बच्चों की फ्री आवश्यक शिक्षा, बच्चों की फ्री आवश्यक शिक्षा भी कहते हैं इसको, जिसे हम क्या कहते हैं, RTI, राइट टू क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, RET कहते हैं इसको, RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन कहते हैं इसको। बच्चों की फ्री आवश्यक शिक्षा कब बनी? 2009 में बनी है। अभी मैं दिखाती हूँ इसको कितने नाम से पूछा गया, बच्चों की फ्री आवश्यक शिक्षा पूछा गया है 2009, RTE करके पूछा गया है, राइट टू एजुकेशन पूछा गया है, और एक नाम से इसे पूछा गया जिसको मैंने पहले बता दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्या करके पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको मैं स्टार्टिंग में बता दी हूँ आप लोगों को। वहाँ पे भी मैंने जो डेट बताई है 2009 ही बताया है, तो चाहे वहाँ पे लिख लीजिए या फिर इसके साथ लिख लीजिएगा आप लोग। और RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन होता है, एजुकेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब आगे बढ़ जाते हैं, और हमें क्या देखना है, और हमें देखना है हमा क्या होता है, ये देखना है हमें। फिलहाल जो भी फुल फॉर्म है इसको मैं कल भी बताऊंगी, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी डेट हमें बतानी है, सिर्फ फुल फॉर्म नहीं देखना है, डेट भी देखना है, उसको मैं आज यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। हमा को क्या कहते हैं हम? हमा को कहते हैं हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, आप लोग इसको लिख लीजिए। क्या कहते हैं हमा को? हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं। और ये कब बना तो हम बताएंगे, 1956 में बना, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट होता है ये। और अगला क्या है? अगला है PCPNDT, ये भी पूछा गया है कब लागू हुआ, तो हम क्या बताएंगे, पहले तो इसको हम देख लेते हैं, ये 1994 में लागू हुआ। ये कब लागू हुआ? 1994 में लागू हुआ। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी। क्या है इसका? प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी है। कल फिर मैं इसको लिखाऊंगी, बट आज यहाँ पे जान लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए क्या है इसका फुल फॉर्म, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस एक्ट होता है ये। अब आगे बढ़ लेते हैं हम, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी होता है इसका जो फुल फॉर्म है, और ये कब लागू हुआ, तो 1994 में ये लागू हुआ। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्लास। अब हम पढ़ेंगे, अब हम कल की जो क्लास है वहाँ पे हम देखेंगे फुल फॉर्म, जो कि 2004 से लेकर 2020 तक के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं वहाँ से मैं लेके आऊँगी। अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है आज, मैं क्या पूछने वाली हूँ आप लोगों से। अब आज का जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख लीजिए, आज का जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सती प्रथा निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। और जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड है। आप लोग जिसने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा उसके सामने ये सारे क्वेश्चन आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। पहला क्वेश्चन है सती प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ, दूसरा है सती प्रथा, पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम, मतलब सती प्रथा जो है
उसको खत्म करने का अधिनियम कब लागू हुआ। दूसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ। और जो तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो दंपत्ति बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उनकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए। मान लो कि कोई दंपत्ति है वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और ये माना गया है, एक्ट में ये बताया गया है कि शादी के 5 साल बाद कोई भी दंपत्ति बच्चे को गोद ले सकता है, बट उसकी औसत आयु कितनी होनी चाहिए यही बताना है आप लोगों को। जो दंपत्ति हैं जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं दंपत्ति, उनकी युगल औसत आयु कितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे युगल मीन्स बता देती हूँ आप लोगों को, युगल क्या होता है। युगल मीन्स होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों का जो एज है वो कितना होना चाहिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज़ का फुल फॉर्म बताना है, NCERT का फुल फॉर्म, NCERT का फुल फॉर्म भी बताना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कल के लिए, इससे आपका रिवीजन भी होगा, माइंड भी डेवलप होगा और जो चीज़ें आपको पता नहीं है वो चीज़ें आप ढूंढ के बताने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बेटर है। बताओगे तो और अच्छी बात है और अच्छे से आपकी तैयारी होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।